हेलो दोस्तों, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपना वीडियो अचानक रुक गया था, तो वापस सही हो गया है। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, त्रिज्या की, यानी नाभिक का आकार या नाभिक की साइज की बात कर रहे थे। तो नाभिक की साइज मैंने निकाला था, एक बार इसको वापस देख लो, बीच में वीडियो रुक गया था। तो नाभिक के आकार की बात कर रहे थे, यानी नाभिक का आकार अपन कैसे निकालेंगे या नाभिक की त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं अपन। तो वही अपन ने बात की थी कि अपन ने क्या माना था, जो अल्फा या अल्फा कण का जो प्रयोग था, जो रदरफोर्ड ने किया था स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों को टकरा कर, तो यही अपन ने क्या मानी थी, एक स्वर्ण पन्नी जो क्या है अपना नाभिक है, कोई भी स्वर्ण पन्नी मानी जिसका परमाणु क्रमांक कितना था, जेड इक्वल टू 79। इस पर जो आवेश था वो कितना था, जेड ही, यानी जो नाभिक का आवेश माना वो अपन ने क्या माना, जेड ही। जेड क्या है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक ई क्या होता है, वही आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से अल्फा कण टकराई, यानी अल्फा कण का आवेश कितना था अपने पास, यदि आवेश की बात करें तो इसका आवेश तो कितना हो गया, 2e, और इसका जो अल्फा पार्टिकल होता क्या, 2He4। अब अपन बात करते हैं कि इसमें दोनों में कैसे प्रयोग हुआ, अल्फा पार्टिकल जब टकराया इससे, यानी इसकी जब अल्फा पार्टिकल को यदि इसके पास लाया जाता है, तो अपन ने माना था कि अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान माना था एम, वेलोसिटी मानी थी वी, यानी जब अल्फा पार्टिकल आगे से आ रहा है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अपने पास, 1/2 mv², तो वही अपन ने काइनेटिक एनर्जी कितनी ली, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा ली 1/2 mv². फिर ये क्या करता है, अल्फा पार्टिकल ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये कुछ डिस्टेंस तक आता है, फिर क्या करता है, दोनों में रिपल्सन इतना बढ़ जाता है, यानी प्रतिकर्षण इतना, रिपल्सन इतना बढ़ जाता है कि वो क्या करता है, ये इसके पास नहीं जा पाता, जब पास नहीं जा पाता तो ये क्या करता है, वापस यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² थी, जिससे वो चलकर यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, उसको जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें चेंज हो गई, कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में, यानी स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गई। जब स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गई तो क्या हुआ, अपने पास वो पार्टिकल वहाँ पे रुका और वहाँ से वापस चला गया। तो अपन कह सकते हैं कि जब ये पार्टिकल यहाँ तक आया, यानी इस नाभिक से इसकी जो न्यूनतम दूरी थी वही क्या कहलाएगी, अपनी नाभिक की त्रिज्या कहलाएगी, या कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या कहलाएगी, या फिर कह सकते हैं न्यूनतम दूरी कहलाएगी। तो अपन यदि डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कि यदि कोई कण की या यदि कोई पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यानी अपन कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो पूर्णतः क्या हो जाए, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए, तो वो वह दूरी न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, नाभिक का साइज या नाभिक की त्रिज्या कहलाती है। तो अपन ने यही बात की थी, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आया था, अल्फा पार्टिकल आया ये इस डिस्टेंस तक आया, तो ये डिस्टेंस कितनी मान ली अपन ने, डी नॉट। फिर अपन ने बात की कि इस पर आवेश जेड ही था, इस पर आवेश कितना था, 2e था, यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक जेड इक्वल टू 79, इसका कितना होता है, 2। अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान माना था एम, वेलोसिटी मानी थी वी। जब ये अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद कुछ सेकंड रुका, कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस गया, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी है, यानी ये अल्फा पार्टिकल कहाँ तक था, यहाँ तक था, तो कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो अपनी न्यूनतम दूरी है, यानी जो ये वाली दूरी है वही अपनी क्या कहलाएगी, जो ये वाली अपनी दूरी है वो कहलाएगी नाभिक का आकार या नाभिक की त्रिज्या। तो यही अपन को चीज निकालनी है, यानी यही फाइंड आउट करना है, डी नॉट क्या आता है, जो ये डी नॉट आएगा वो इसकी जैसे गोल्ड की क्या होगी अपने पास, त्रिज्या होगी, या स्वर्ण पन्नी की त्रिज्या होगी। तो अपन बात करते हैं कि जब अपन ने माना कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी, 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कैसे लिख सकते हैं अपन, कूलाम के नियमानुसार लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाय R, यानी Q1 Q2 क्या दोनों पे आवेश है, के क्या है कॉन्स्टेंट है, 9×10⁻⁹, जो डिस्टेंस आती है वो दोनों आवेश के बीच की डिस्टेंस मिनिमम। तो अपन ने लिखा है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, के ऐसे का ऐसे, जो अल्फा पार्टिकल का आवेश है वो तो कितना माना अपन ने, 2e, और जो जो नाभिक का आवेश है वो कितना, जेड ई, अपॉन में उसकी न्यूनतम दूरी कितनी मानी अपन ने, डी नॉट, तो ये डी नॉट। अब अपन ने कहा कि ये नाभिक का आकार या न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी अपन कह सकते हैं कि ये न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो अपन कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी कब होगी, जब अपने पास क्या थी, जो एनर्जी थी, एनर्जी कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कंप्लीट क्या चेंज हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए, यानी जो अपनी गतिज ऊर्जा थी वो किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में। जब स्थितिज ऊर्जा में बदली तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी, यानी कुछ पार्टिकल यहाँ आकर रुका, इसके आगे नहीं गया, मतलब ये क्या होगा, पार्टिकल की स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। तो यहाँ से यदि अपन को डी नॉट निकालना है, यानी जो बीच की डिस्टेंस है वो निकालनी है, तो निकाल सकते हैं, डी नॉट तो इधर आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 KZe² / mv²
इसको मैं ई की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो, डी नॉट तो इधर आ जाएगा, ई इसके नीचे जाएगा तो क्या रहेगा, टू के जेड स्क्वायर अपॉन में ई। यदि कोई न्यूमेरिकल में ई दे रखा है तो ये फॉर्मूला काम में लेना है, यदि किसी न्यूमेरिकल में एम या बी दे रखा है तो ये वाला काम में लेना है। तो अपन ने ये वाली वैल्यू रखी, इसके बाद क्या किया अपन ने, टू तो ऐसे का ऐसे रख दिया, के जेड स्क्वायर यानी ये वाला फॉर्मूला काम में लिया। एग्जाम्पल के बेस पे समझ लो कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा अपन को कितनी दे रखी है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कितनी होती है, 8 × 10⁶। तो ये हो गया अपने पास दो ऐसे का ऐसे, के की वैल्यू 9 × 10⁹, जेड की वैल्यू जो इसका परमाणु क्रमांक था कितना था 79, ई कितना था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो उसका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर था तो ई कितना था अपने पास 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो 8 × 10⁶ 1.6 × 10⁻¹⁹। तो अपन कह सकते हैं कि जो डी नॉट आया वो कितना है, 2.84 × 10⁻¹⁵ लगभग आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ यदि 28.4 × 10⁻¹⁵ मीटर। और अपन जानते हैं कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो कौन सी कोटि में होती है, अपने पास फर्मी में होती है। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻¹⁵। तो अपन लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकता हूँ, डी नॉट इज इक्वल टू 28.4 फर्मी। तो इसको 1 फर्मी कितने के इक्वल होगा, 10⁻¹⁵ मीटर के। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ क्या आई अपने पास, कि जो डी नॉट आया इस अल्फा पार्टिकल का वो कितना आया, 28.4 फर्मी। तो ये क्या हो गई अपनी त्रिज्या। तो अपन कह सकते हैं कि या तो त्रिज्या इतनी होगी या फिर क्या होगी, इससे कम होगी। यानी अपन यदि रिलेशन बनाना चाहें नाभिक की त्रिज्या को किससे लिखते हैं अपन, आर से, यानी इसके लिए आर कितना होना चाहिए, या तो क्या होगा इससे कम होगा या फिर क्या होगा इससे इक्वल होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो डी नॉट की वैल्यू आई 28.4, यानी 28.4 फर्मी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो अपन कह सकते हैं या तो त्रिज्या इसकी कम होगी या फिर क्या होगी इसके बराबर होगी। तो ये वाला अपन था नाभिक की त्रिज्या या आकार। तो जो नाभिक की अपन फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो क्या थी अपनी नाभिक की त्रिज्या, फर्स्ट क्या पढ़ा था अपन ने, द्रव्यमान संख्या, सेकेंड पढ़ा था विद्युत आवेश, थर्ड पढ़ा था द्रव्यमान, और फोर्थ पढ़ रहे त्रिज्या। तो ये वाले क्या हो जाएगी अपने पास त्रिज्या, तो त्रिज्या इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर अपन ने देखा कि इसमें कुछ और अलग से देखने को मिला, ये वाले तो अपन ने क्या कि त्रिज्या निकाल ली। तो यहाँ पे जब अपन ने पोटेंशियल निकाला था यानी स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, वो किस बेस पे निकाली थी, कूलाम के बेस पे। फिर इन्होंने क्या किया कि जब अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल को ये स्वर्ण पन्नी तो कैसा भारी नाभिक है, यदि इसको हल्के नाभिकों पे टकराया जाए, हल्के नाभिकों पर प्रयोग कराया जाए तो क्या आता है। तो अपने पास एक हल्के नाभिक वाला प्रयोग किया उन्होंने, हल्के नाभिक का मीनिंग क्या अपने पास, ये तो यदि अल्फा पार्टिकल ये ले लिया मैंने, बाकी अपन ने एक पार्टिकल क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया। तो यदि अल्फा पार्टिकल एल्यूमिनियम पर इंसिडेंट कराती है तो क्या होता है, तो इसने माना कि ये वाला जो प्रतिकर्षित होता है, पर प्रतिकर्षित होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस बेस पे, इसकी तो किस बेस पे आ रही थी, कूलाम, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम, यानी कूलाम यूनिवर्स लॉ के रीजन से अपन निकाल क्या रहे थे, क्या निकाल रहे थे, कूलाम व्युत्क्रम, कूलाम यूनिवर्सली लो से क्या निकाल रहे थे अपन, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पर यहाँ पे क्या होता है, जब अल्फा पार्टिकल हल्के तत्वों पर आपतित कराया जाता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कूलाम नियम से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो क्या करता है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये पार्टिकल तो क्या था, बहुत भारी था, तो इसको यदि इंसिडेंट कराते तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता था, ये स्थिर रहता था। वहाँ पे क्या ये हल्का है, तो हो सकता है कि वो इसको इंसिडेंट कराए तो इसमें कुछ ना कुछ नाभिक में परिवर्तन हो जाए, यदि नाभिक में परिवर्तन होगा तो अपन क्या करें, इसकी त्रिज्या नहीं निकाल सकते। तो अपन कह सकते हैं कि एक डायग्राम बनाते जो ये तो क्या मान लिया अपनी आर सी है, ये अपना मान लिया कि कोई भी विभव रोधिका है यानी पोटेंशियल बैरियर है, तो वो क्या मान लिया अपन ने, बी सी। अब ये वाला जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है अपने पास, जो यूनिवर्स लो को शो करता है, यूनिवर्स लो यानी 1/r को शो करता है। तो वही है कि अपने पास यदि कूलाम के नियमानुसार यदि अपन स्थितिज ऊर्जा निकालते तो क्या आती है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर आती है, तो इस बेस पे 1/r आता है, तो 1/r क्या होगा, इसका ऐसा ग्राफ आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये वाली डिस्टेंस है, यानी जब यहाँ तक अपन देखें, यानी जब हल्के तत्वों को देखें, यदि अल्फा पार्टिकल को हल्के तत्व या हल्के नाभिकों पर इंसिडेंट कराते हैं तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा आती है वो हमेशा किस बेस पे आती है,
लुआंग के विक्रम वर्ग के बेस पे नहीं आती, तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रयोग था वो किसके लिए था, केवल बाह्य नाभिकों के लिए। तो ये वाला अपन को ग्राफ क्या शो करेगा कि इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है यानी यहाँ तक कोई ऐसी पोटेंशियल बैरियर है जहाँ तक, तो क्या होगा वो कूलाम के विक्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करेगा। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा वो कूलाम के विक्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा। तो आपको नाभिक की त्रिज्या में टोटल इतनी चीजें लिखनी है। सबसे पहले तो इस प्रयोग के बारे में लिखना है, इस प्रयोग में अपन ने क्या क्या माना है वो चीजें लिखनी है, इसका डायग्राम बनाना है, इसका डायरेक्शन करते हुए इसकी डिस्टेंस निकालनी है जो डी नॉट अपन ने निकाली है, फिर अपन को आर से डिफाइन करना है, फिर बताना है कि कौन से पार्टिकल पर या कौन से के लिए ये वाला ग्राफ शो हो रहा है, यानी भारी पार्टिकल के लिए तो ये कूलाम स्थिति ऊर्जा ऐसे निकल जाएगी, हल्के पार्टिकल के लिए ऐसे निकलेगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो कूलाम स्थिति ऊर्जा है वो हल्के पार्टिकल के लिए वेरीफाई नहीं करती, यानी हल्के पार्टिकल को वो फॉलो नहीं करती। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना लो। अब यहाँ पे सॉरी लिखना भूल गए, पर ये तो क्या थी इसकी डिस्टेंस थी, यानी जो स्मॉल आर या जो डिस्टेंस होगी वो, ये इस साइड क्या है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो स्थितिज ऊर्जा का कर्व है वो क्या है इस साइड में। यदि इसकी विभव रोधिका लिखनी है तो विभव रोधिका लिख सकते हो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9×10^9 Z1 Z2 E² अपॉन में क्या आ जाएगा आर सी। तो जो विभव रोधिका आएगी वो इसका फॉर्मूला हो सकता है ये किस बेस पे, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के, यानी आर सी तो क्या आएगा इसके लिए आ रहा है, बाकी ये Z1 Z2 और E² तो ये क्या आ रहा है कूलाम के बेस पे आ रहा है। अब ये वाला प्रयोग फेल कब हुआ, कैसे पता लगा कि ये वाला प्रयोग सही नहीं है, क्योंकि एल्फा पार्टिकल जब एल्यूमिनियम से टकराए अपन ने, तो इसके जो सैद्धांतिक व्याख्या यानी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालते हैं और जो प्रैक्टिकल रिजल्ट निकालते हैं दोनों में क्या है बहुत ज़्यादा डिफरेंस बताया गया। तो उस डिफरेंस की वजह से अपन ने माना कि ये वाला क्या होता है जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है एल्फा पार्टिकल की वो क्या होती है कूलाम के बेस पे नहीं निकल पाती, तो इस बेस पे ये अपनी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये वाला अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी थी नाभिक का आकार या नाभिक की त्रिज्या। तो किसी भी नाभिक की त्रिज्या निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले के बेस पे निकाल सकते हो, वो भी नाभिक कैसा होना चाहिए भारी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा अपने पास नाभिक की त्रिज्या, ये वाला ग्राफ बनाना है आपको। इसके बारे में आप लिख सकते हो कि हल्के नाभिक के लिए ये वाली है और भारी नाभिक के लिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करता है, हल्के नाभिक के लिए वो नहीं करता है। इसका फॉर्मूला लिखना हो तो ये लिख सकते हो। फिर अपन जो नॉर्मल त्रिज्या निकाली थी जो इस बेस पे त्रिज्या का फॉर्मूला दिया गया वो क्या दिया गया वो देखते हैं। यदि बात करते हैं अपन नाभिक की त्रिज्या की फॉर्मूले की, यानी फॉर्मूला अपन को दिया गया था R=R0a⅓, यानी ये वाला फॉर्मूला अपन को सभी निष्कर्ष के लास्ट में जो रिजल्ट दिया गया था वो ये दिया गया था कि किसी भी नाभिक की आपको त्रिज्या निकालनी है तो किसी भी नाभिक की त्रिज्या निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। तो ये आर तो क्या बताएगा त्रिज्या बताएगा, ये आर नॉट क्या है आर नॉट एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, तो वैसे तो इसकी वैल्यू मानते हैं अपन आर नॉट की 1.2 फर्मी से 1.3 फर्मी। अब जब देखो ये वाला रेंज दी हुई है यानी 1.2 फर्मी से 1.3 फर्मी, तो अपन कैसे डिसाइड करें कि अपन क्या वैल्यू माने न्यूमेरिकल में, तो अपन डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों का एवरेज मान लो अपन जो आता है अपने पास 1.25 फर्मी, यानी जहाँ आर नॉट होगा वहाँ अपन को वैल्यू क्या काम में लेनी है 1.25 फर्मी, यानी आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.25 × 10^-15 मीटर। तो ये वाली चीज़ अपन काम में ले सकते हैं। चलो इस बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप याद रखना R=R0a⅓। ए क्या है यहाँ पे परमाणु का मास नंबर या द्रव्यमान संख्या है। तो यदि बात करते कि किसी तत्व का एक न्यूमेरिकल लिखते हैं,
कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या मास एटम या इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक नहीं सॉरी, द्रव्यमान संख्या। दो सौ सोलह है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 216 है तो नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। तो सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 216 है तो नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो, यानी नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला पता है, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो अपन कह सकते हैं कि जो तत्व का द्रव्यमान संख्या है, यानी अपन को क्या दे रखा है, इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है अपन को ए इज इक्वल टू, यानी मास नंबर कितना है 216। बाकी बात करें फॉर्मूला लिखते तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, आर नॉट तो कितना है 1.2 फर्मी इंटू 10 की पावर -15, और ये कितना हो जाएगा ए 1/3 यानी 216 की पावर 1/3। तो अपन कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू कितना होगा 1.25 10 की पावर -15, और ये कितना हो जाएगा 6। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा ये, यानी 10 की पावर -15 मीटर, या फिर अपन लिख सकते हैं कि ये टोटल इसका रिजल्ट कितना देगा 7.50 फर्मी, यानी ये इसका क्या आ जाएगा अपनी त्रिज्या आ जाएगी। तो आप इसी बेस पे कोई सा भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हो, कोई भी परमाणु क्रमांक दिया हो तो अपन को त्रिज्या निकालनी हो, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो सिंपल सवाल है, कोई नहीं, फॉर्मूला याद रखना है और इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 1.2 फर्मी जो अपन काम में लेते हैं। तो वही एक तत्व का मास नंबर दिया हुआ है 216, नाभिक की त्रिज्या निकालनी है, तो ये 216 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख के आपको निकालनी है। तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी थी रेडियस। इसके बाद में अपन जो भी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, इसको आप लिख लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो नोट्स बना रहे हो वो नोट्स अच्छे से बनाना, सब यदि कोई थ्योरेटिकल बेस आता है तो थ्योरेटिकल बेस को क्या करो, आप खुद के अकॉर्डिंग बना कर लिखो, ना कि हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो आपको समझ में आता है उसको ही आप थ्योरेटिकल में बना कर लिखो, वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा।